बन चुकी है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी के बयान पर कुछ विशेषज्ञों ने अपनी राय जताई है। तो इसी नेतृत्व में सिंगापुर शहर की बनावट को नजर में रखते हुए इसके निर्माण के प्लान को देखा जाए तो हमारा अमरावती भी दूसरा सिंगापुर बन सकता है। इसके बारे में आइए जानते हैं हमारी होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद जी की क्या राय है। वर्तमान के आर्थिक हालात और भविष्य के अवसरों के लिए अमरावती अनुकूल प्रदेश है, ऐसा कमेटी ने कहा है। और राज्य से संबंधित समाचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के जरिए हम सबको बताने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सर। सुबह आते हो गुड मॉर्निंग बोलते हो, इवनिंग में आते हो बाय बोलते हो, वो तो तहजीब है ना सर। तुम्हें 1 वीक का टाइम देता हूँ, 1 वीक में मेरा नाम हर जगह गूंजना चाहिए, समझ में आ गया ना? हाँ गूंज उठेगा सर, आप जाइए जाइए आप। बेटा नाम सब जगह गूंजना चाहिए। अटेंशन हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा, हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा, हे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की घाटी में मंदिर जल से भरी नदियाँ, हाँ कृष्णा सरोवर अति मनमोहक देखे भरे नजिया, हाँ मंगलगिरी टेम्पल आस्था का सैंपल ईश्वर की आराधना, ये प्रेम के मोती बाटे स्नेह से भरे आके यीशु की ये प्रतिमा, मुस्कान प्यारी प्यारी हर चीज है यहाँ न्यारी, बुद्ध बैठे अमरावती में पावन है ये धाम, वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा, हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा। पर यार असल में अपनी लाइफस्टाइल क्या है? मास और क्लास का कॉम्बिनेशन है यार। अच्छा क्लास का तो ठीक है लेकिन मास कहाँ है? लेट्स गो यो ऑटो या बस ले लो, चलो सिटी में घूमे अगर मजा हो लेना बाइक से ही चलो, सुंदर शहर है स्वच्छ है प्यारा प्यारा तेलुगु मूवीज के सुपरस्टार देखे, उद्योग धंधे यहाँ है काम सबको यहाँ, चिकने है रोड़िया इनका है जोड़ कहाँ, बचपन का जलवा है गलियों में क्रिकेट मौज मस्ती में जीते हैं सब यहाँ, यहाँ पर कोई परेशान रहते हैं तो कोई अपनी मस्ती में चकाचौंध रहते हैं। हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा, हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा। रंगीन फूड
के शौकीन भोपाली और सोडा टेस्टी है सब यहाँ मल्टीप्लेक्स में शॉपिंग है करते दिन हो या रात यहाँ अलग है बात यहाँ जीवन का आनंद आए यहाँ हर पल मजे में लोग यहाँ किसी को न सोगे यहाँ मम्मी का पल्लू खींचे बच्चे मेले में आए जीवन की खुशियों में शामिल ये होने आए। सुनो हम कहाँ जा रहे हैं? दुनिया के टॉप प्लेस पे। तू तो एंजॉयमेंट करने में भी मस्त है। हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा, हे वाड़ा वाड़ा अपना विजयवाड़ा। तुम तो बहुत टैलेंटेड हो यार। थैंक्स सर मेरी तारीफ करने के लिए। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। टेक केयर। एक बार नहीं किया तो दोबारा नहीं कर पाऊंगा क्या? 100 साल जिएगा तू। बोल बाबा प्रोग्राम कैसा लगा? सॉलिड बाबा। ऐसे ही हर महीने में 4 बनाकर देगा ना तो 4 जन्म तक तेरे नाम से चैनल में आग लगा दूंगा, या तो चैनल ही खरीद लूंगा बाबा। हाँ हाँ खरीद लेना। और हाँ मेरे फ्रेंड के पास एक अच्छी स्टोरी है। प्रोड्यूसर को सेट करके डायरेक्टर बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते? एक बार मैंने जो काम हाथ में लिया तो उसे मैं करके ही छोड़ता हूँ। कल का परसों का उसके एक दिन पहले का सबका हिसाब रखा है मैंने, वापस लौटा दूंगा वरना बदनाम हो जाऊंगा यार। हाँ अभी तो तेरा बहुत नाम है ना। ए तेरे लिए एक मस्त प्रोड्यूसर को सेट किया है मैंने, मिलने के बाद बताऊंगा तुझे। The abdominal muscles have different important functions. They assist the breathing process and necessary muscles of the respiration. Moreover, these muscles serve as protection for the inner organ. Furthermore, together with the back muscle, they provide posture. क्या है यार, स्कूल के छोटे बच्चों की तरह याद कर रही है। बचपन से ही ऐसी आदत है यार, क्या करूँ मैं। अच्छा प्यार करना आदत है समझकर हर किसी से तो प्यार कर बैठेगी क्या? ऐसी बात नहीं है यार, अगर एग्जाम्स में फेल हो गई ना तो मेरी अम्मी अब्बू मेरा निकाह पक्का करवा देंगे। अगर पास हो जाओगी तो सम्मान करेंगे क्या? नहीं यार, जमीन बेचकर सिंगापुर भेज देंगे, मस्त पैसे कमा कर मलेशिया में सेटल हो जाऊंगी। ये बकवास बंद कर, ऑलरेडी हमारे सीएम साहब अमरावती को सिंगापुर जैसा, मंगलागिरी को मलेशिया जैसा बनाने का प्लान किए हैं। तो अभी अपनी जमीन बेचने की बात भूल जा, क्योंकि आगे रियल एस्टेट में बहुत पैसा मिलेगा। अरे टेंट क्यों कर रहे हो यार? पागल है, पैसे की बात सुनते ही टेंट हो जाती है। तुम्हें कितनी बार कहा है 12 बजे से पहले लाइट ऑफ कर देना, और आधी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो भूतों की तरह? फिर कभी ऐसे देखा ना तुम्हें, जाओ जाके सो जाओ। क्या हुआ यार, पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं यार, एक भूत दूसरे भूत के बारे में बोल रही है, यही सुनकर हंसी आ गई। क्या हुआ यार, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? इतना पसीना क्यों आ रहा है? भूतों से डर लगता मतलब? है मतलब कहाँ ना डर लगता है। अब बताती हूँ अनुषा, तुम्हें पता है क्या, हमारे हॉस्टल का एक टेरिफिक फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक? हाँ है। हमारा ये हॉस्टल राजा हरिश्चंद्र प्रसाद के एक जमींदार का था, उनकी एक इकलौती बेटी थी लतांबिका। लतांबिका के कहने के पहले ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देते थे हरिश्चंद्र प्रसाद। ललितांबिका पहली बार अपनी इच्छा को जताते हुए अपने प्यार तोता रामचंद्र को मांगती है। इससे हरिश्चंद्र प्रसाद गुस्से से बलराम बन गए। ताकतवर होने के नाते उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और प्यार करने वाली बेटी को अपने प्यार से दूर कर दिया। इकलौती बेटी अपने प्यार के दूर होने के गम में अपनी जायदाद के कुछ हिस्से को गरीबों में बांटकर इस बंगले को और जायदाद को ट्रस्ट के हवाले करके वो गुजर गई। उसके बाद उस ट्रस्ट ने इस बंगले को मैरिड स्टूडेंट के लिए फ्री फूड बेड देने का सोचा है, इसीलिए हम सब यहाँ हैं। कितनी बेचारी थी ना ललिता, बेकार में ही मर गई वो। छी ये बड़े भी ना छोटों के प्यार की बिल्कुल कद्र नहीं करते। असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। प्यार ना मिलने के गम में अपने पिता से नाराज होकर आत्महत्या करने वाली ललिता प्रेत आत्मा बनकर अभी भी इस बंगले में भूत बनकर घूमती है, जानते हो क्या? प्रेत आत्मा? हाँ
अभी भी एक पीले रंग की साड़ी पहनने वाली एक 20 साल की लड़की यहाँ आसपास घूमती हुई कुछ लोगों को दिखाई देती है। क्या यार, ना दिखने वाले भूतों से इतना डर लग रहा है और तू घूमने वाले भूतों के बारे में बताकर और ज्यादा मत डरा। डराना ही होता तो उसने यहीं पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, बताती ना। हा? सब पागल है, बोलते ही उसको देख भी लिया, क्या बात है। डर लगा तो बस सारा पानी पी जाती है। ओहो, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अचानक ठंडी क्यों लग रही है? प्रेस वालों को इन्फॉर्मेशन कौन देता है? हमसे पहले पहुंच जाते हैं सर, वो आसपास के लोग ही होते हैं। ठीक है, क्या बात है बताओ। सर 22 साल की होगी सर, शरीर पर कोई भी चोट नहीं है सर, वैसे तो सुसाइड लगता है सर, लेकिन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है सर। तो फिर सुसाइड नोट मिला? नो सर, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी ऐसा नहीं मिला सर। लड़की का नाम क्या है? यहाँ पर सब उसे रूबीना कह रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है सर। सोरिया सर, लड़की का नाम क्या बताया था? रूबीना बेगम है सर। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आईडी कार्ड बुक्स और सब चेक किया सर, सब पर रूबीना बेगम लिखा है सर। ओके, बॉडी को नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। अगर इसका कोई रिश्तेदार आए तो उसे मेरे पास भेजो। ओके सर। लड़की के मोबाइल कॉल की लिस्ट निकालकर लेट नाइट कॉल्स और सारे नंबर्स की इंक्वायरी करो। ठीक है सर,
वार्डन कौन है यहाँ की? सर मैं हूँ सर। तुम्हारा नाम? डायना सर। तुम्हारे हॉस्टल में एक लड़की सुसाइड करने की हालत में आ गई, अब तक तुम क्या कर रही थी? सर मैं दो दिन से गांव में थी सर, आज सुबह जब यहाँ आई तो ये सब हो चुका था। मरी हुई लड़की के बारे में कोई कुछ बता सकता है क्या? सर रुबीना और मैं फ्रेंड थे सर, हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। पहले मुझे एक बात बताओ, इस लड़की का नाम रुबीना बता रही हो, लेकिन ये लड़की तो देखने से हिंदू लगती है, असलियत क्या है बताओ? इन सब की वजह वो ललिता है सर। ललिता कौन है वो? ये नाम तो FIR में नहीं है सर। ललिता को मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं, वही ललिता भूत बनकर हमारी रुबीना को मार दी सर। ललिता भूत बनकर मार दी, अब इसकी क्या कहानी है? सर वो 3 दिन पहले ही रुबीना ने हमें इस हॉस्टल के बारे में कहानी सुनाई थी और ठीक उसी रात को ही हमने देखा कि वो डाइनिंग हॉल में टेबल पे लेटी हुई थी और उस दिन से उसका बिहेवियर बदल गया था सर। उसने कहा कि ललिता उसे दिखाई देती है, उसका पीछा करके उसे डराती रहती है और फिर रुबीना ललिता की तरह टीका लगाना, नेकलेस पहनना, हल्दी लगाना स्टार्ट कर दी और वो हम में से किसी से बात भी नहीं करती थी। ठीक 3रे दिन ही वो ऐसे कंट्रोल योरसेल्फ, इसकी असलियत क्या है हम इंक्वायरी में पता कर लेंगे। अंदर जो घटना घटित हुई है वो हत्या है या आत्महत्या? देखने में तो आत्महत्या लगता है, बट हमारी इंक्वायरी में बहुत सारी बातों का पता चलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले इस ट्रस्ट के ओनर हरिश्चंद्र प्रसाद जी की बेटी का और ये आत्महत्या एक दूसरे से जुड़े ऐसा लोग कह रहे, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? आप लोगों के मुताबिक हरिश्चंद्र प्रसाद की बेटी का इस सुसाइड से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे मरे हुए तो कई साल हो गए हैं। मतलब यहाँ कोई परेशानी नहीं है क्या सर? परेशानी नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, पर हर परेशानी का हल होता है और उसके बाद हर परेशानी का हल हमें मिल ही जाता है, आपके जरिए भी मिल जाता है और कई बार तो परेशानी खुद ही अपना हल ढूंढ लेती है। इज इट क्लियर? ये कॉर्पोरेटर का घर नहीं, कॉर्पोरेट कंपनी जैसी लग रही है। ये ले जावी। हाँ बाबा। तो यही रुकना, आग लगा देना। थैंक्स यार। ओके। मेरे आने तक किसी के साथ छिड़कानी मत करना। ठीक है। वादा किया है तो पहले बैठ जाता हूँ, किसी को भी छेड़ूंगा नहीं। लड़कियाँ, ए तुम लोग बहुत ही खूबसूरत हो, जरा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कम ऑन कम ऑन, यहाँ आओ, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ, पटाऊंगा सोच रही हो क्या? नहीं, पहचान दिलाऊंगा। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, जय कमलार्ट्स बैनर तले। ऑलरेडी मेरा दोस्त अंदर कहानी सुना रहा है। अब फिल्म तो देखती हो ना, शक्ल से तो लग रहा है। एक्टिंग आती है ना? नहीं आती, मैं सिखा दूंगा। पहले फोटो सेशन कर लेते हैं। मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। अब तुम्हें आता क्या है, जरा बताओ 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 बताओ। आपको क्या आता है? कबड्डी आती है। हे भगवान, जाइए, अपनी फोटो व्हाट्सएप में भेज देना, नंबर में पोस्ट कर दूंगा। सुनिए, फिल्म का नाम तो सुनिए, हाँ या ना, कैसा लगा? जरा ये तो पकड़। दीदी मुझे कबड्डी खेलनी नहीं आती। बाय बाय, मैं चलता हूँ, आप फोटो मत भेजना। बाय। बाप रे, ये क्या कर रहा है तू? यार वो सब बात छोड़, तू पहले अंदर क्या हुआ बता, बजट कितना, एडवांस मेरे हाथ में रख। छोटो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन मुझे भी होता है, तुम जवान भी हो और अकलमंद भी हो, जाकर अच्छी लड़कियों के साथ वीडियो बनवाओ या फिर शादी के वीडियो बनवाओ। इतना ही नहीं, अपने हाथ में कैमरा लेकर सिटी में जिस प्रकार का कचरा है ना, तो तजुर्बेकार मेरे जैसे इंसानों का वीडियो मत बनाओ। अगर कॉर्पोरेटर ने काम नहीं किया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा सोचकर उंगली किया तो जल जाओगे। खुद को फेमस करने के चक्कर में मुझे फेमस मत करो। दे। ओह हाँ। अच्छा, असल में वो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई है। अरे ये उसे किसने बताया? अरे चैनल तेरा, स्टोरी तेरी और मेरा नाम भी बता दिया। अरे हाथ गया मेरा। फिल्म तेरा, थ्रेट मेरा, तेरी तो। अरे ऐसी बात नहीं है बाबा, छोटे पर्दे पे अपना नाम देखता हूँ ना,
वैसे बड़े पर्दे पर तेरा नाम देखना चाहता हूँ। मैं तेरी खुशी चाहता हूँ यार, समझता कुछ नहीं, हाथ तोड़ दिया। अबे चुप कर, उसने अंदर मुझे जलसा मूवी के मुकेश इसी की तरह बेस वॉइस में वार्निंग दी है। अगर उसके पास हथियार होता ना तो अब तक मेरा सर धड़ से अलग होता। बिल्कुल परेशान मत होना बाबा, इस बार उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे तिहाड़ जेल में भेज दूंगा, यही मेरा प्रण है। बना देना। हाँ। बना देना। वो तिहाड़ जेल जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन वो तेरी लाश पर डांस जरूर करेगा। क्या रे, मारने से पहले माँ कह के चिल्ला रहा है, ओवर एक्टिंग। फोन आया है, बता रहा था। माँ का बात कर। हेलो राजा। हाँ माँ बोलो। यहाँ तुम्हारे पापा एक बात पूछनी है, पूछो बोलकर मेरी जान खा रहे हैं। कैसी बात है माँ? तुम्हारी शादी की बात है बेटा। अभी मुझे एक फिल्म डायरेक्ट करनी है, सेटल होना है, आप लोगों को संभालना है और भी बहुत कुछ काम है मेरे जीवन में। अच्छा तो ये सारी बातें पापा को बता दो, फोन दूँ? नहीं रहने दो, उनसे बात करने से अच्छा है कि मैं उस लड़की से जाके मिल लूँ। उस लड़की की डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, देख लेना। थैंक्स, रखता हूँ। अब क्या करूँ यार, नाजुक हाथ को तोड़ दिया। माँ क्या हुआ? मैच फिक्सिंग हो गई है। माँ को कितनी बार समझाया लेकिन वो मानती ही नहीं। ओके, अब तू मुझे सॉरी बोलकर कल थैंक्स गिविंग पार्टी देगा ना, तो तेरी मैच फिक्सिंग को तोड़ने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ओके ठीक है, दे दूंगा। अब देखना, मैच खत्म होते ही लड़की भाग जाएगी। जाइए, इट्स ओके, आप भी जाइए, इनका ध्यान रखना। हाँ जीती रह बेटी। बहुत अच्छी है सर, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? क्यों, तुझे ट्राई करना है क्या? मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला हूँ सर, हीरोइन की सर्चिंग कर रहा हूँ। ये लड़की ठीक लग रही है। तो फिर तू इस कॉफी शॉप में क्या कर रहा है? एक अच्छा ब्रेक के लिए वेट कर रहा हूँ सर। अच्छा, काफी इंतजार किया है लगता है। कब से वेट कर रहा हूँ सर? तू चाहे कितना भी वेट कर ले, ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता। पहले जाके तू दो कॉफी लेके आ। ओके सर, अब भी लाया। कैसी है लड़की, मैं जो कर रहा हूँ वही ये भी कर रही है, कहीं ये पागल तो नहीं है? दिखने में तो ठीक ठाक लग रही है, तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? खत्म हो गया तुम्हारा परफॉर्मेंस या और कुछ बाकी है? मुझसे बात कर रही हो? नहीं नहीं, वो देखो उस वेटर से। ओ, अच्छा वेटर से। बेवकूफ हो, वो सब तो ठीक है
लेकिन तब से इतना तुम मटक क्यों रहे हो? कौन मैं? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? तो फिर मुझे देखते ही जैसे भूत देख लिया। तुम ये इसके पीछे अपना चेहरा क्यों छुपा रहे थे? मैं नहीं छुपा रहा था। मैं बिल्कुल देखने लायक नहीं हूँ। थोड़ी भी खूबसूरत नहीं हूँ क्या? ऐसा मैंने कब बोला? अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में तो बड़ी शांत थी, अब यहाँ पर ऐसे नाटक क्यों कर रही हो? फिर क्या करना चाहिए? आप जैसे लोग अच्छे हैं मैं ऐसा समझती हूँ, तो वो अपना मुँह फेर कर बाय बोल देते हैं। ठीक है, बाय ही बोल देते हैं, सोचती हूँ तो मुँह दिखा कर डरा देते हैं। क्या हुआ? कुछ भी समझ नहीं आया? समझ आएगा भी नहीं, दो कॉफी बोल दो। कॉफी बोल दूं? क्यों, वॉच लौटाने वाले को कॉफी तो पिला सकते हो ना। क्या वॉच? ये कैसे मिस हो गई मुझसे? ये लो। थैंक्स। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, ये मेरी मम्मी का गिफ्ट है, इसके बिना मैं एक भी दिन नहीं जी सकता हूँ। अब तो कॉफी ऑफर करोगे या फिर थैंक यू बाय बाय बोलकर वापस भेज दोगे? ये मुझे अभी तो बोल रहे थे इस लड़की को नहीं जानते हो। सच में मैं इसे नहीं जानता? क्या बात है, ऑर्डर देने से पहले ही कॉफी आ गई? एक्चुअली वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए है ना? नहीं। क्या बात है सर, एक और गर्लफ्रेंड भी है? तो फिर ये लड़की को मैं मैं ऑलरेडी कंफ्यूजन में हूँ, तू मेरा सीन और खराब मत कर यार। हाँ, क्रिएटिविटी में आग लगा दो सर, आग लगा दो, आग लगा दो। सो अब तक तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम्हें कैसे पता? पता चल ही जाता है क्योंकि मैं डॉक्टर जो हूँ। डॉक्टर हो? नंदिनी? राजा? या हाय राज। हाँ? क्या हनी, मुझे भी ना बताया यहाँ आ गए, मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो जाती हूँ पता है ना। कौन मैं? हाँ तुम्हें कहा भी ना बताया मत आया करो, मैं परेशान हो जाती हूँ, यू नो ना हाउ मच आई लव यू यार। हेलो बाबा, मैं बाबा ये सब हमारे स्क्रीन प्ले का भाग है, किरदार में जान डाल दी ना, तू भी अब जल्दी से शुरू हो जा। हाँ अब जल्दी से ना उसे डोमिनेट कर दे। हाँ ओके। इसने तो मुझे मार ही डाला। ये लो। ये क्या? कैपेचिनो। मैंने तो नहीं बोला था। मैं लेके आ गया। अब ये क्या है? बिल है। तुम जाओ। अब राजा इट्स ओके, हम फिर कभी मिलते हैं। नो 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 नो, ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरे फ्रेंड गिरी ने। अब मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो क्या? सोना रात का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? रात को जो हुआ उसे भूले नहीं क्या? रात को? हाँ रात। क्या हुआ था? यू नॉटी बॉय, सब कुछ यहाँ कैसे बताऊँ सोना। बाय द वे कल रात को तुम मेरे रूम में अपना फेवरेट गिफ्ट भूल के आ गए थे, वही देने आई हूँ। वो क्या है? तुम्हारी वॉच। कितनी घड़ी खरीद के रखी है यार। हे ननिन बेब, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ बैठी हो। मानव तुम यहाँ बिजी हो, मैं वहाँ राकेश के साथ। व्हाट? एक तो तुम्हारे लिए मैंने क्लास बंक की और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। एटीट्यूड नहीं यार, तुम जाओ। ठीक है कोई बात नहीं बेबी, हमारे कॉलेज में मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी तुम ही हो ना, इतना तो एटीट्यूड बनता है। ये है मेरी स्टोरी। मैंने ये सोचा था डायरेक्टर बनने से पहले मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए मैंने ये मैच कैंसिल करने के लिए बस कोशिश कर रहा था। और आप? मेरे बारे में जानने जैसा कुछ भी नहीं है, माँ नहीं है, पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, एक बहन भी है, लेकिन पापा ने अपनी सेविंग्स, घर, सब कुछ मेरी पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया, मेरी बहन के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और वो है कि मेरी शादी करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी सोचते हैं, और मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके पापा को बहन को अपने पास रखना चाहती हूँ। डोंट वरी, तुम डेफिनेटली अपनी स्टडी कंप्लीट करोगी। थैंक्स। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलूँ क्या? या यू कैन गो। ओए! हाँ? पापा को क्या बोलूं? क्या कहा? जो तुम्हारे मन में हो वो बोल देना। जो मेरे मन में है वो मैं बोल दूंगा। वही क्या? वो नंदिनी क्लास का टाइम हो गया है। आ रही हूँ।
चलो भी। सॉरी मैं क्लास के लिए देर हो रही हूँ, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्लीज सिट डाउन। दैट्स गुड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो तुम्हारे सिलेबस का सब्जेक्ट नहीं है, मेरे रिसर्च का सब्जेक्ट है, भविष्य में कभी भी तुम्हारे सामने आ सकता है। साउंड यानी ध्वनि। हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक इस सृष्टि का प्रारंभ ध्वनि से हुआ है, वही ओमकार से। इसी को आदि प्रणव नाद भी कहते हैं। असल में इस ध्वनि के बारे में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि इंसान के आरोग्य की समस्याओं में मुख्य कारण है साउंड पोल्यूशन। सर, यस, ये क्या है सर? हमारे आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं और आप साउंड पोल्यूशन पे ही एम्फसाइज कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन। फूड पोल्यूट होने पर खाना गर्म कर सकते हैं, वाटर पोल्यूट होने पर पानी गर्म कर सकते हैं। अगर एयर पोल्यूट हुआ तो ऑफ कोर्स नाउअडेज वी हैव ऑक्सीजन चैम्बर्स फॉर रेंट, एटलीस्ट वी कैन यूज एयर प्यूरिफायर्स, बट व्हाट अबाउट साउंड पोल्यूशन? या वी कैन क्लोज आवर इयर्स विद इयर प्लग्स और वी कैन गो अवे। ओके ओके, देन व्हाट अबाउट इंफ्रासोनिक्स एंड अल्ट्रासोनिक्स? बताता हूँ, तुम्हें समझ में आए ऐसे बताता हूँ। एक साधारण इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज के बीच की ध्वनि को ही सुन पाता है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन हेयरेबल रेट। इस 20 हर्ट्ज से कम के साउंड्स को इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। इस तरह 20,000 से भी ज्यादा के साउंड्स को अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। सच में तो इंफ्रासोनिक्स हमें सुनाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ जानवरों को ही सुनाई देता है। आपको याद है ना, लास्ट टाइम सुनामी आया था तब बहुत कम जानवरों की मौत हुई थी। उसकी वजह यह है कि भूकंप की वजह से आने वाले सुनामी को इंफ्रासोनिक्स से जानवरों को पता चल गया। उसी तरह इस अल्ट्रासोनिक्स को भी हम सुन नहीं पाते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से ही सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक्स को प्रोड्यूस करके रिफ्लेक्ट होने वाली फ्रिक्वेंसी को एनालाइज करने की वजह से सामने वाली चीजों से बचकर वो आगे बढ़ जाता है। असल में ये साउंड्स एक ह्यूमन ब्रेन को कितना प्रभावित करते हैं जानते हैं आप? इंफ्रासोनिक्स में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक साधारण इंसान पर प्रयोग करने पर उससे पता चले बिना ही उसका दिल इंटरनली ब्लीड होकर रुक गया। कभी कभी तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। सच में उसकी मौत किस वजह से हुई ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं बता सकता है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। एज वी आर डॉक्टर्स, वी नीड टू डायग्नोज द डिसीज परफेक्टली बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। पहले हम सिर्फ फिजिकल और केमिकल टेस्ट ही करके एक रोगी की बीमारी के ट्रीटमेंट को शुरू किया करते थे, बट इन दोनों के साथ साथ उस इंसान की लाइफस्टाइल, वो साउंड पोल्यूशन से अफेक्ट होने का कोई मौका है या नहीं ये जानना भी हमारे लिए आगे आगे बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास सुनाई देने वाले साउंड्स हमारी जानकारी के बिना ही हमें अनकॉन्शियस स्टेज से कॉन्शियस स्टेज में लाने में हमारी मदद करते हैं। जब ऐसा होता है तब इंसान एक डर या बीमारी के काबू में आ जाता है। ठीक उसी समय संघर्ष में हार्ट अटैक आना या बीपी कम होना जैसी चीजें हो सकती हैं। तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, ये लड़का खर्राटे मारकर सो रहा है, यानी काफी थक गया है, डीप स्लीप में चला गया है, मतलब इसकी बॉडी और कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, बट इसका सबकॉन्शियस ब्रेन यानी इसकी शुद्ध चेतना का मन हमेशा काम करता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल रात को क्या किया था? नाइट में कंबाइंड स्टडी किया था सर। किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ। ये सच बोल रहा है? अब देखना, 5, 4, 3, 2, 1।
सीनू, कल रात को क्या किया था? सर वो मैं रात को बिना सोए पढ़ाई कर रहा था सर, इसलिए थोड़ा आंख लग गई थी सर, सॉरी सर। सो दिस इज द पावर ऑफ साउंड। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, 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 सर। यस। एक डाउट है सर। बोलो बेटी। सर, आप ही ने कहा ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को और इंफ्रासोनिक साउंड्स को हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं। सो हम जैसे साधारण व्यक्ति के ब्रेन पर, बॉडी पर इन साउंड्स का अफेक्ट होने का चांस ही नहीं है ना सर? यू आर राइट, लेकिन इंसान साधारण साउंड से भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली हुए एक सर्वे में इंडिया में 75% ट्रैफिक पुलिस वालों की मौत दिल की बीमारी से हो रही है। इसकी वजह ट्रैफिक नॉइज नाम का एक तरह का साउंड पोल्यूशन है। यानी जाने और अनजाने में साधारण ध्वनि से भी हमारी बॉडी और माइंड रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा मूड ऑफ होता है तब अच्छे मेलोडी सॉन्ग सुनते ही हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। पब में जाते ही इस म्यूजिक के मुताबिक डांस करते हैं। अच्छे परिवार में रहने वाली औरतें भी गांव में होने वाले देवी के जुलूस में माता के नाम से झूलती रहती हैं। इसकी वजह देवी नहीं है, उस जुलूस से आने वाली डब साउंड है। एक तरह से कहा जाए तो एक इंसान में बसे हुए स्प्लिट पर्सनालिटी को कुछ तरह के साउंड्स ट्रिगर करते हैं। ये साउंड्स कभी कभी हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं। इस तरह अफेक्ट होने वाले को इस एंगल से ट्रीट करोगे तो फिलहाल हम फेस कर रहे हैं डिसीजेस को 90% बिना मेडिसिन क्योर कर सकते हैं। वाव, वंडरफुल थ्योरी सर। थैंक यू बेटी। इस टॉपिक पर मैं और मेरा असिस्टेंट रिसर्च कर रहे हैं। आई थिंक वी आर गोइंग टू सबमिट इट सून। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च सर। डेफिनेटली बेटा, आई लेट यू। सर, हाँ दास, हमें मुंबई से जो जरूरी रिपोर्ट चाहिए थे वो आ चुके हैं सर, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं सर। आई एम कमिंग। ओके सर। नंदनी, हम बाद में बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू। आईने के सामने ज्यादा मत रहना कहा था मैंने। अरे रे, देखो कैसी हो गई हो। हाँ, क्या मैं, मुझे क्या हुआ? मैं गुस्से में हूँ और मैंने मुंह फेर रखा है। हे, तुम अनुषा हो, अनुष्का नहीं हो। वैसे भी मुझे डराने के लिए तुम भी इनकी तरह मास्क पहन सकती थी ना, छोटे बच्चों की तरह छोटा भीम वाला मास्क पहना। बापरी, वैसे भी मुझे भूतों से डर लगता है, अगर मैं भूत का मास्क पहन के आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख लेती ना तो बस जिंदगी में कभी आईने के सामने खड़ी नहीं हो पाऊंगी। बापरे, अच्छा है हमें भी आईने के सामने थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, नहीं तो सुबह उठने से लेके रात के सोने तक पूरा समय आईने के पास ही रहती हो। लड़कों के लिए दाढ़ी और लड़कियों के लिए आईना बहुत जरूरी है बेबी। अरे टेम्प्ट क्यों कर रही हो यार? इसे देखो, लड़कों का नाम सुनते ही टेम्प्ट हो जाती है। सर, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है।
हमारी फिल्म में सुकुमार की फिल्म की तरह कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगा। कोई बात नहीं, मुझे गणित नहीं आती है। पोयो पार्टी फिल्मों की तरह वायलेंस भी नहीं होगा सर। वैसे भी मुझे ब्लड से डर लगता है। ऐतिहासिक फिल्मों की तरह इतिहास भी नहीं होगा सर। अच्छी बात है, मुझे पढ़ना भी नहीं आता है। सर एक्सक्यूज मी सर, अर्जेंट कॉल है। थैंक यू सर। हाँ बोलना। बाबा कहाँ है? नहीं, मैं हीरो को स्टोरी सुनाने के लिए बैठा हूँ। हीरो यानी वो तीन पत्नी वाला क्या? कम से कम ये तो सुन ही रहा है ना। अरे वो सुन सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे हीरो को हिट करवा के तो आखिर इंडस्ट्री को क्या देगा बोल? नहीं, बात को मत बढ़ा, जो तुझे बोलना है जल्दी से बोल। हाँ तो सुन, तू अर्जेंट जय कमल कॉन्फ्रेंस हॉल के पास आ, तेरी तकदीर बदल दूंगा। सर थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, मैं वापस आके सुनूंगा। ओके सर, थैंक यू। अब तक क्यों नहीं आया? अरे आ गया, ए जल्दी चल। अरे जल्दी चल, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अबे जल्दी आना। कौन सी मीटिंग है बे? होम मिनिस्टर प्रेस मीट है यार, कितने सवाल करता है तू। अबे कहाँ जा रहे हैं हम? ये तो बता। जनता की समस्याओं को दूर करने जा रहे हैं। अरे बताया था ना प्रोड्यूसर से मिलाने वाला हूँ, तू चल मेरे साथ। प्राइम मिनिस्टर है यार, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा, जितना कह रहा हूँ उतना कर। मेरी बात सुन। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। वो इट्स ओके, चल। ये कहाँ लेके आया मुझे? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बैठ, अब बैठ जा। ए हट हट। अमरावती, the people's capital of Andhra Pradesh, is envisioned to be a city of world-class standards. अब तक आपने जो देखा है न्यू कैपिटल प्लानिंग प्रेजेंटेशन के बारे में, किसी को कुछ पूछना है तो हमारी आदरणीय होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा जी उसका जवाब देंगी। मैडम, अभी प्रेजेंटेशन में दिखाई हुई चीजें ठीक से होने के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं? उसके लिए हमने एक कमेटी का आयोजन किया है, जल्दी उसकी जानकारी देंगे आप। मैम, इस नए राजधानी के निर्माण में किसानों से जमीन छीनी जा रही है, ऐसा बहुत दिनों से विपक्ष पार्टी आरोप लगा रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आप ही ने तो कहा है कि विपक्ष है, विपक्षियों की हर बात पर अगर हम गौर करने लगे तो हमारी सरकार नहीं चलेगी। वैसे भी हमारी सरकार किसानों के पक्ष में है, यदि किसान ही नहीं रहे तो भला ये देश भी कैसे रह पाएगा, यही हमारी पार्टी का सिद्धांत है। मैं भी इस पर यकीन करती हूँ, इसीलिए इससे जुड़े हुए हर काम को मैं खुद काफी बारीकी से जांच कर रही हूँ। तो आपको अगर कोई भी संदेह हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। सच्चाई से जाने जाने वाले आपके राज में महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही, ऐसा लोगों का मानना है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के बारे में। 3 महीने पहले वहाँ पर एक लड़की आपातकालीन हाल में सुसाइड करके मर चुकी है। उस केस में कोई सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, ऐसी खबर आ रही है, इस पर आपका क्या एक्सप्लेनेशन होगा? इस पर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती, इस केस को डील करने वाले स्पेशल ऑफिसर अरविंद देंगे। इस केस के बारे में आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में या हो हल्ला मचाकर एक निर्दोष को पकड़ना अच्छा होगा या शांति से सच का पता लगाकर एक दोषी को पकड़ना अच्छा होगा? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में एक ही केस नहीं है, बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं। फिर भी ये एक सेंसिटिव केस है, इसीलिए इसे बहुत केयरफुली डील कर रहे हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए छोटे से छोटे क्ल्यू को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। उसी तरह इस केस के पीछे चाहे जो भी होगा उसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमें इससे भी ज्यादा सबूत मिले तो हम खुद प्रेस मीटिंग रखकर आप लोगों को बताएंगे। तब तक प्लीज आप लोग शांत रहिए, हमें बेकार में मत छेड़िए। थैंक यू मैडम। मैडम क्यों मिस्टर अरविंद जी, आपके अपने काम को ढंग से ना करने की वजह से जनता हम पर सवाल कर रही है। जनता को दिलासा देना चाहिए लेकिन धोखा नहीं। मैडम 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 एक और सवाल। मैडम क्या हो गया? मैडम आपने ऐसा क्या बोल दिया? खाकी और जनता की उधारी कभी नहीं रखनी चाहिए, उतार देनी चाहिए। सर 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 नमस्ते सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ सर। सर परसों वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले डायरेक्टर के बारे में पूछ रहे थे, यही है मेरा फ्रेंड राजा। हाय सर। हाय सर, ये और मैं बचपन से ही लंगोटिया यार है सर। सर ये कमाल की स्टोरी लिखता है सर। अरे तू बता ना यार। ए, चुप हो जाना। सर आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं जान सकता हूँ क्या?
इस तरह आत्महत्या करने वाली लड़की के बारे में या उस केस के बारे में आज तक हमें कोई सबूत नहीं मिला है। एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की की तरह तैयार होकर मरती है, यानी कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह जरूर होगी। लेकिन वहाँ के लोग इसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह रहे हैं। यूट्यूब में तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे लगता है कि मुझे इस केस को ठीक से डील करने में तुम मुझे कोई क्लू जरूर दे सकते हो। क्या सर, डिपार्टमेंट में रह के आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या कर पाऊंगा? यू आर राइट राजा, मेरी समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी सर्विस में बहुत केस डील किए हैं, लेकिन आज तक मुझे एक भी एविडेंस ना मिलने वाला केस यही है। किसी भी एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ तो रास्ता ही बंद हो जाता है। लगता है कोई शक्ति हमें रोक रही है, इसीलिए उस हॉस्टल के ऊपर तुम एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देख लूंगा। एक तरह से मैं कहूं तो तुम एक अंडरकवर ऑपरेशन करोगे। सर, इन केस अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो? डोंट वरी राजा, तुम अगर सक्सेस हुए तो मुझे एविडेंस मिलेगा, और अगर सक्सेस नहीं हुए तो गिरी न्यूज चैनल के एक घंटे का स्लॉट फीड के रूप में मिलेगा। सर, मुझे एक डाउट है, आपकी कस्टडी में इतने सारे केस हैं, तो फिर आप इसी केस पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? मेरा इकलौता छोटा भाई गौतम ये यूएस में पढ़ना चाहता था, लेकिन अब वो बेड पर कोमा में है। रोबीना का केस इन्वेस्टिगेट करते समय उसके मोबाइल के ब्लॉकेट नंबर्स में से गौतम का नंबर भी मिला था, इसीलिए उसे मजबूरी में अरेस्ट करके पूछताछ करनी पड़ी। हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गौतम के कॉलेज में ही वो रूबीना भी पढ़ती थी, और मेरा भाई कॉलेज में पुलिस वाले का भाई होने के नाते बहुत मनमानी करता था, लड़कियों को सताया करता था, और उन लड़कियों में से इस रूबीना ने गौतम के नंबर को ब्लॉक कर दिया था, और वही उसके लिए खतरा बन गया। सच में वो रूबीना से बहुत प्यार करता था, लेकिन रूबीना उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, जिससे अपसेट होकर उसने इंडिया छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन रूबीना के केस की वजह से उस पर FIR फाइल हो गया, वीजा रिजेक्ट हो गया, उसी डिप्रेशन में वो कोमा में चला गया। इनकेस अगर वो कोमा से बाहर भी आता है तो जेल चला जाएगा। अगर उसे बचाना है तो इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए तुम्हें अप्रोच किया। तो मतलब? डोंट हेजिटेट, फ्रेंकली बताओ, मैं फोर्स नहीं करूंगा। सॉरी सर, मैं ये प्रोजेक्ट डील नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन नहीं करता हूँ। इसके अलावा किसी और एंगल से ट्राई करूं तो आपने ही बोला है सर, ये एक सेंसिटिव मैटर है, सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं सर। ऊपर से मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं, मुझे सेटल होने को बोल रहे हैं, काफी प्रेशर है सर मेरे ऊपर। सो ऐसे सिचुएशन में मैं इट्स ओके, तुम्हारी सिचुएशन समझ रहा हूं, नो प्रॉब्लम, आई फाइंड समवन एल्स। सॉरी सर, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन इट्स ओके मैन, टेक इट इजी। थैंक यू सर। इस फिल्म में तो हम पूरे 5 लेंगे और बाकी 2 हम अरे बाबा बाबा, डील ओके ना? बजट की बात हो गई ना? हीरो तू डिसाइड करना, पर हीरोइन को मैं लाऊंगा। स्क्रीन पर तो तेरा ही नाम आएगा, लेकिन स्पेशल थैंक्स मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि डील तो मैंने करवाई है ना। क्या यार, मैं पागल लग रहा हूँ क्या? रुक करके कब से बोले जा रहा हूँ मैं, और तू स्विच ऑफ चाइना फोन की तरह कब से हैंग होकर बैठा है, बोल ना। ए, मुझे कोई डील नहीं करनी, चले यहाँ से। डील नहीं करनी है, ऐसा क्यों डिसाइड किया बाबा? फिल्म बनाएंगे सोचा था, ये भूतों की डॉक्यूमेंट्री कहाँ से आ गई यार? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अरविंद डबल गेम खेल रहा है। डबल गेम? हाँ यार, नहीं तो एक क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर को कोई एविडेंस नहीं मिला तो हमें कहाँ से मिलेगा? सही पकड़ा, उसे एविडेंस नहीं मिले इसलिए वो हमारे द्वारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करवा के बचे हुए सबूतों को खत्म करके वो अपने भाई को बचाना चाहता है, ये इसका प्लान है। पता नहीं क्या प्लान है, आजकल तो भूतों को हीरो बनाया जा रहा है, ऐसा करने से हम जैसे कलाकारों का क्या होगा यार, किसी को समझ में नहीं आता क्या? फिर भी तुझे कहना चाहिए ना, मैंने तुझे हमेशा कहा है ये पुलिस और पॉलिटिशियन से दूरी बना के रखनी चाहिए। यार उसके पास ब्लैक मनी ज्यादा होगी, वो फिल्म बनाएगा सोचा था। तेरे लिए ही तो रखे हैं। अबे पुराने नोटों से कोई फिल्म बना सकता है क्या? मेरे बच्चे का किडनैप इसी ने किया है, एक माँ होने के नाते मैं जानती हूँ और पुलिस वाले भी जानते हैं, लेकिन एक कागज के टुकड़े ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी है। तो हम क्या करें?
इंडियन मैं आपके पास आई थी कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? मैंने सोचा कौन है जो इतनी जोर से पढ़ाई कर रहा है, वो भी इस वक्त? कौन हो सकता है? चलो देखते हैं। एंड अचीविंग द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड कैन हेल्प वन स्टे ग्लोबली रेलेवेंट एंड डील विद कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ही फील दैट कंपनीज दैट वर प्रीवियसली यूज्ड टू मोनो। हाँ, तुम पढ़ रही हो या फिर हम लोगों को डरा रही हो? पढ़ रही हूँ। बेबी, जो तुम पढ़ रही हो वो खुद ही पढ़ो, हम सबको पढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम अगर ऐसे ही पढ़ती रही ना, तुम्हारी हिस्ट्री सब्जेक्ट को मैं अपने मेडिसिन एग्जाम में लिख दूंगी, तो फिर मुझे तुम्हें मारने का मन करेगा। लेकिन हमारे लिए इतना वायलेंस जरूरी है क्या? तो फिर अब ऐसे पढ़ाई करो कि हम तक तुम्हारी आवाज ना आए। चलो पढ़ो। अनु, अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें हर्ट किया क्या? ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मुझे मेरी फ्रेंड रुबीना की याद आ रही है। रुबीना मतलब इस हॉस्टल में जिसने सुसाइड किया था, वही लड़की ना? हाँ वही, उससे भी इसी तरह जोर जोर से पढ़ने की आदत थी, वो बहुत अच्छी लड़की थी। तो फिर उसने अचानक ऐसा क्यों किया? वो पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं सोचती थी, अच्छे से पढ़ लिख कर उसे सिंगापुर सेटल होना था, ऐसा कहती थी। लेकिन अचानक ये अनु, कंट्रोल, वो कहीं नहीं गई है, हमारे साथ ही है, हमारी यादों में, हमारे दिल के पास रहने वाले लोग अचानक दूर चले जाते हैं तो उसका दुख कैसा होता है मैं जानती हूँ। मेरी माँ की याद जब भी आती, मैं भी ऐसे ही रोया करती थी, ऐसा सोचकर उन्हें हमेशा याद करके दुखी होंगे तो वो कभी खुश हो पाएंगे क्या? जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अनु, 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 कौन हो? अनु, मैं हूँ अनु, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ अनु। मेरे लिए आई हो तुम, लेकिन कौन हो तुम? ए अनु, क्या मुझे ही भूल गई हो तुम? मैं हूँ रुबीना। रात को मरने वाले के बारे में बात की मैंने,
अब जरा सा भी आवाज होती है तो डर जाती हूँ मैं। अब मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। हाँ बोल यार, इवेंट स्टार्ट हो गया है, कहाँ है? हाँ मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, तू कहाँ पे है? स्टेज के बैक साइड में मेकअप रूम के सामने खड़ा हूँ। हाँ ठीक है तू फोन रख अभी। शिट, बेकार में ही बिल्डअप दे रही थी मैं, टाइम पर कृष्ण के लिए कोई भी नहीं मिला, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है। हाँ। मैडम आपको कोई परेशानी है क्या? क्या मतलब आप यहाँ वहाँ चक्कर लगा रही है ना, तो सोचा आपको मदद की जरूरत होगी। वैसे आप कौन है? मी, आई एम TV29, हमेशा लोगों के पीछे घूमता रहता हूँ कसम से। वैसे आप कौन? आई एम नेला। नेला नहले पे देला? वैनिला। ओ वैनिला, वैसे दिखने में तो आप वैसी नहीं लग रही है। वैनिला वैनिला वैनिला, मेरा गाना सुनकर इसे कुछ कुछ हो तो नहीं रहा ना? तुम्हारा शर्माना देखकर मुझे कितनी चिढ़ हो रही है पता है, मतलब तुम्हें देखकर मुझे भी बहुत शर्म आ रही है। सच्ची मुच्ची कुछ भी नहीं है, द्रौपदी वस्त्रहरण का नाटक है। अरे चाहे जो भी हो, आइटम सॉन्ग तो नहीं है ना। इसे छोड़ो, कृष्णा को कॉल किया ना? कॉल किया था मैडम, मेकअप करके बाइक से आ रहे थे तो कुत्तों ने उन्हें काट लिया। समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे? समझ नहीं आ रहा था, बर्तन साफ करो। क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? कैसे कृष्ण चाहिए आपको? नहीं समझे ना, बताता हूँ। अब वो नंदमुरी बालकृष्ण चाहिए क्या, या पोन स्टार कृष्णा चाहिए, या फिर हरी कृष्णा चाहिए? द्रौपदी को साड़ी देने वाला कृष्णा चाहिए। ओ कॉस्ट्यूम वाला चाहिए क्या? अच्छा समझ गया, कोई भी चलेगा ना? हाँ, ओके ओके। तुम जरा रुको, चाहे जो भी हो टाइम पर साड़ी देने वाला चाहिए। वेट, 5 4 3 2 1। क्यों, क्या हेल्प करें? हाँ ओके ओके। हिस कृष्णा, कहा गया, यू आर सो फास्ट, आज का जुगाड़ हो गया। नेक्स्ट। अरे बाप रे, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सब। अरे मुझे कृष्णा, माय डियर फ्रेंड कृष्णा, क्या लग रहा है यार, माय डियर फ्रेंड कृष्णा, कृष्णा ये सब क्या है? गेटअप है कृष्णा। अबे तेरी तो गेटअप की मुकुट गिर जाएगा। मैं तेरा खून। बांसुरी बांसुरी संभालना, सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस। अबे तेरी सोशल सर्विस। सुनो, अरे गलती हो जाओ यहाँ से। अरे रुक जा, रुक जा, मैं बताता हूँ तुझे, सोशल सर्विस करेगा। अबे तेरे देख देख, रुक जा, मुझे सुनना पड़ा और मैं तुझे नहीं छोड़ा दूँगा तुझे। अबे अरे जा, अरे रुक जा, अरे भगवान तो मारता है क्या मेरे से? अबे तेरी तो। ये यहाँ पे क्या कर रही है? प्लीज बटन भी लगा दो ना। अब हाँ, अब वैसे ये कौन सा ड्रामा है? रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट। डियर जूलियट, व्हाई दिस कोलावरी? डोंट वरी, व्हेन रोमियो कम हग लाइक दिस, then that fellow always die your legs. Okay, अब okay. आगे का तुम मैनेज करो। हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अब कौन हो तुम लोग? रोमियो हूँ। तुम्हें तो जू में जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं। ए चल हट सामने से।
ए गिरी रुक जा ना, ए रुक जा, ए गिरी रुक जा ना यार, रुकने वाला। अबे रुक जा यार प्लीज, बात सुनने वाला हूं। तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्या सुनूं यार, सब देख तो लिया। अबे तो पहले मेरी बात तो सुन, मैंने कुछ नहीं किया, वो उस लड़की का सिर्फ सिर्फ की बात मत कर। अरे बड़ी मेहनत से कैरेक्टर सेट किया था, गेटअप भी सूट हो गया सोचकर स्टेज पर भेजा तो तूने उसके जिप को हाथ लगाया। अरे वो बात नहीं है यार, वैसे सुना है कि उस कॉलेज का प्रिंसिपल मामूली मैन नहीं है, डॉबर मैन है यार। अगर वो आ गया तो तेरी सर, आप ऐसे मत देखिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सच में तुम्हें कुछ नहीं पता? सर सब कुछ इसने किया है सर। तो सब कुछ उसी ने किया सर, मैं तो अपनी पैंट का जिप लगाने के लिए शर्माता हूँ, तो लड़की का जिप कैसे लगाऊंगा मैं? ए मिस्टर कम हियर, आना सर, बता सर को। वो असल में हुआ ये था कि एक्चुअली वेल डन माय बॉय, इवेंट में हमारे स्टूडेंट्स की लाज रख ली, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। कम टू माय ऑफिस। ये कैसे हो गया यार? थैंक यू सो मच। हे इट्स ओके। सो ओ कोड वर्ड में बात कर रहे हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कैरी ऑन लगे रहो। तो अब मैं चलू? हाँ अब बाय। मैं ही हूँ, टच में रहना, बाय। छाई है दिल पे ऐसी खुमारी, लुट के ले गई हमें हंसी, तुम्हारी तुर जिंदगी है मेरी संवारी, तेरा यार शुक्रिया। मस्ती छाई मुझ पे कैसी हालत ना थी मेरी ऐसी, तुमसे मिलके ना जाने कैसा हाल हो गया है। गुल्ला तेरा यार शुक्रिया। मस्ती छाई मुझ पे कैसी हालत ना थी मेरी ऐसी, तुमसे मिलके ना जाने कैसा हाल हो गया है। गुल्ला रसगुल्ला तो रणवीर सिंह की तरह स्टाइल मार रहा है। ए, ए, अबे हटना। नंदनी ये लो, तुम्हारा फोन रिपेयर हो चुका है। थैंक यू। चल गया जादू रुक ना काबू, अब ढूंढ तुझे यहाँ वहाँ, करता हूँ तेरा हर घड़ी तेरा, तू भी नजरें उठा के देख ले जाने जहा। पाँव मेरे जमीन पे आज नहीं राज है क्या, मेरे दिल ने जो छेड़ा राज है क्या, ये सबसे मिलके मुझे कोई खुशी ना मिले, साथ उसके रहूं तो खुशी कबूल खिले। तेरे
से थोड़ी मस्ती कर ले फ्रेंड से अपने जब मैं मिलाऊं हाथ को मिलाए तो तू बस नमस्कार ही कर ले सहेली तेरी जो मिला चाहे कोई मुझसे बीच में आके दोनों के रोक ले तू उसको दोस्ती हो जाए जो मेरी मेरी फ्रेंड से शक्ल करना मुझ पे मैं तेरा ही हो जाना है बुल्ला जिस बुल्ला मेरी मंजिल आ चुकी है थैंक यू सो मच नंदिनी तुम हॉस्टल में रहती हो क्या क्यों आई मीन इट्स अ हॉन्टेड प्लेस यू नो या मैंने भी सुना है वो सुसाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ब्ला 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 आई डोंट बिलीव ऑल दीज स्टूपिड थिंग राजा इनफैक्ट मैं भी इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता फिर भी वो सब मेरे आने से पहले हुआ था इतने दिनों से आई हैवंट फील एनीथिंग फिर भी तुम्हें भी क्लैरिटी तो होगी ना है फिर तो ठीक है बहुत अच्छा कूल ओह काफी देर हो चुकी है और भी देर हुई ना तो डायना चिल्लाएगी आई हैव टू गो बाय हे वो सब तो ठीक है वो मतलब एक्चुअली वो क्या है कि हम नए नए लवर्स हैं ना क्लाइमेट भी बहुत ही रोमांटिक है तो एक पप्पी तो बनती है ना मिस्टर राजा वैसे भी काफी देर हो चुकी है अब तुम जा सकते हो ड्राइव सेफ बाय नंदनी हाय कैच यू कल तक ये पूरा लेसन खत्म करना पड़ेगा अनुषा क्या हुआ कौन है वहाँ कोई है क्या हुआ देखो क्या कौन हुआ? है अरे क्या बात है कौन है वहाँ पे कोई है क्या मैंने देखा अरविंद हियर मैं सूर्या बोल रहा हूँ सर बोलो सूर्या रात को रुबीना केस के सिलसिले में हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल में इन्वेस्टिगेशन करने गया था सर उसका कोई एविडेंस मिला क्या एविडेंस तो कुछ नहीं मिला सर लेकिन नेक्स्ट लड़की कौन मरेगी वो पता चला क्या? सर एक और लड़की कौन है वो सब फोन पर बताना सही नहीं है सर ओके तुम्हें किसी ने देखा नहीं ना नहीं सर लेकिन मुझे लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है सर मुझे आपसे अर्जेंटली मिलना है कहां हो तुम मैं हॉस्टल के पीछे हूँ सर जल्दी आ जाइए सर प्लीज रखता हूँ सर कहाँ चला गया ये मैं लेट हुआ तो कहीं घर तो नहीं चला गया हाँ
क्या हुआ? और क्या होगा साहब जी, सूर्या ने खुद को फांसी लगा ली। ये कैसे हुआ? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक एक घंटा पहले आए और कहा कि कोई पूछे तो बोलना मैं नहीं हूँ। बेडरूम में जाके दरवाजा बंद कर लिया उन्होंने। बहुत देर हो गई तो मैंने सोचा अंदर जाके देखती हूँ क्या कर रहे हैं। अब देखिए इनकी क्या हालत हो गई है, देखिए सर। सुनिए जी, सुनिए, मत रो, चुप हो जाओ। सॉरी मैडम, ये जब घर पर आए थे तब कोई फाइल या पेपर लेकर आए थे क्या? कुछ नहीं लाए थे सर। बोलो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना सर, पेपर्स पे साइन कर दीजिए सर। साइन मैं नहीं करूंगा, इस एरिए के एसआई करेंगे। गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया मर गया। गब्बर सिंह आ रही हूँ, रुको ना। कमिंग। इसकी तो आ रही हूँ बाबा। दरवाजा किसने खटखटाया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। श्वेता, नंदिनी, लक्ष्मी, स्वप्ना, श्वेता, नंदिनी, क्या यार, अभी दरवाजा खटखटाया और मैं बोल रही हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रही हो। मैं डर गई थी पता है, मैं तुमसे बोल रही हूँ यार। नंदिनी, 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 क्या हुआ अनु? नंदिनी के बच्चे, मैं कब से बुला रही थी, कितना डर गई थी पता है? बुलाया था? नहीं, चिल्लाई थी। सॉरी सॉरी अनु, मैंने हेडफोन्स लगाया था ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। बहुत अच्छा, वैसे भी हेडफोन लगा के कोई पढ़ाई करता है क्या? अरे अनु, मैं हेडफोन्स लगाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। ओहो, तो तुम्हारे गाँव में सब ऐसे ही पढ़ते हैं? लगाओ। ये क्या, लिसन ऐसे भी सुनते हैं क्या? इन्हें ऑडियो बुक्स कहते हैं। इन्हें सुनते सुनते मैं अपने बुक्स के मैटर को रेफर करती हूँ। सच कहूँ तो मैं सोते वक्त भी इन्हें सुनते सुनते ही सोती हूँ। पता है पता है, रोज तुम सोते वक्त हेडफोन अपने कान में लगा के सोती थी ना, तो मुझे लगता था कि तुम म्यूजिक लवर हो। तुम तो किताबी कीड़ा हो। ऐसा करने से लेसन्स काफी जल्दी हमारे ब्रेन में फीड हो जाते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे हेडफोन्स और स्टडी की भी। तेरा तो पता नहीं, लेकिन मेरा तो आज हो जाता। जस्ट अ मिनट। राजा। ओहो, चैटिंग भी स्टार्ट हो गई बेबी। तू शर्मा रही है, मतलब कुछ तो है। ऐसा कुछ भी नहीं यार, जस्ट ऐसे ही कैजुअली चैट करती हूँ। अच्छा, कैजुअल। बेबी नंदिनी, फिल्में हम भी देखते हैं, तुम्हारे फेस का कलर देख के ही बता सकती हूँ तुम ऑलरेडी अपने हीरो से कनेक्ट हो चुकी हो।
हाँ क्या बात है, क्या टाइमिंग है। सुन अब लेट मत कर, उससे बात कर यार, कल उससे मिल के अपनी सारी फीलिंग्स उसे बता दे। तू समझ रही है ना, मुझे तो नींद आ रही है यार। गुड नाइट। ए तू लगी रह। हाय नंदिनी। हाय। नहीं नंदिनी। आर यू ओके? मैं ठीक। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे चलो। हे हे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हे हेलो आगे बोलो। हे सुनो 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 राजा, इधर देखो, जल्दी करो, संभाल कर, यहाँ यहाँ ले राजा, जल्दी आराम से। सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए राजा, इन्हें कवर करने के लिए कुछ लेकर आना। ओके। सब कीजिए, सब ठीक हो जाएगा राजा, जल्दी करो फास्ट। हाँ हाँ कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए, अब सांस लीजिए। ओह माय गॉड, पल्स भी डाउन हो रही है, अगर अभी डिलीवरी नहीं करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, कुछ करो ना राजा प्लीज। नहीं नंदिनी, शहर ले जाने के लिए एक घंटे लग जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास उतना टाइम नहीं है, अब चिंता मत कीजिए प्लीज। नंदिनी तुमने तो इसकी पढ़ाई की होगी ना, तो क्या तुम डिलीवरी नहीं करा सकती? नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं भी सर्टिफाइड नहीं हूँ राजा, वैसे भी ऐसी डिलीवरी मैं नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए सर्जन चाहिए। नंदिनी पागल मत बनो, पुराने जमाने में सर्जरी कहाँ हुआ करती थी, तब भी बच्चे पैदा होते थे ना, एक बार सोचो नंदिनी, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। नो राजा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनो नंदिनी, इन्हें शहर ले जाने के लिए पूरा एक घंटा लग जाएगा, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है, और अगर तुमने कोशिश करी तो कम से कम एक की तो जान बची सकती है। एक बार सोचो, डॉक्टर होने के नाते नहीं, एक लड़की होने के नाते ही सही। कोई लड़की या औरत मिलेगी, देखो। ओके नंदिनी। और हाँ, साथ में गर्म पानी मिलाना। बाहर तो कोई भी नहीं दिख रहा है नंदिनी, ये लो। पुश कीजिए, सांस लीजिए। हे राजा, मेरी हेल्प करो, तुम ऊपर से पुश करो। मैं यहाँ से इनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। ओह गॉड। भैया मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे क्या करना पड़ेगा? पुश करो और कुछ नहीं। पुश करो। जरा मुझे देना, जब मेरा जन्म हुआ होगा तो मेरी माँ को भी इतनी ही तकलीफ हुई होगी ना।
थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। थैंक्स भैया। लगा नहीं, पूरे बॉटल का पानी गटक जाती है। डरपोक कहीं की। टेम्प्ट मत करो यार। हेलो, हाँ।
क्या हुआ राजा? कल रात को ये क्या, बोतल तो हमेशा भरा ही रहता है ना? अच्छा, भरी हुई बोतल यहाँ रखी है। The abdominal muscles have different important function. They assist the breathing process. इतनी रात को कौन पढ़ रहा है? The respiration. Moreover, these muscles serve for protection for the inner organ. Furthermore, together with the back muscle. मैंने देखा कि नंदिनी डाइनिंग टेबल पर अपने बाल खोलकर बिल्कुल रुबीना की तरह अपने कान बंद करके जोर जोर से पढ़ रही थी। मुझे लगता है रुबीना की आत्मा ने नंदिनी को काबू में कर लिया है। तुम नंदिनी को यहाँ से 3 दिन के अंदर ही ले जाओ। तुम मानो या ना मानो पर यह सच है, पहले रुबीना के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके बाद ही वो 3 दिन के अंदर सुसाइड करके मर गई थी। पता नहीं क्यों नंदिनी की हालत देख के लगता है कहीं फिर से वही सब कुछ ना हो जाए। मुझे क्या हो गया पता नहीं राजा, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है। रुबीना मुझे दिखाई देती, कहती कोई मेरा विश्वास नहीं करता। मुझे क्या हो गया है? सुनगिरी बोलना यार। राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल पर हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। यार रमेश, यार सुरेश, ये हॉस्टल जैसा लग रहा है क्या? ये तो फार्म हाउस लग रहा है। वैसे सारे भूत अच्छे खासे घर में क्यों डेरा डाल देते हैं यार? फैसिलिटी मिलती होगी ना? रमेश, सुरेश, अरे बाप रे, शुरू हो गया। चल अंदर। ये लोग भी ना पागल हो गए हैं सब। हम यह डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, ये अंडरकवर ऑपरेशन के लिए आए हैं। ये सब क्या है यार? मेरी बात सुन, ये भी एक तरह का अंडरकवर ऑपरेशन है। हम यहाँ पर 2 चीजों के लिए आए हैं। नंबर 1, असल में इस हॉस्टल में क्या हो रहा है वो जानना है। नंबर 2, नंदिनी की जान बचानी है।
इतने सारे लोगों में सिर्फ नंदनी के ही साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो क्या करने वाला है? बताता हूँ। ये है इंफ्रारेड कैमरास। ये घने अंधेरे में भी हाई रेजोल्यूशन के वीडियोस कैप्चर करते हैं। इसे एक नंदनी के कमरे में और एक डाइनिंग टेबल में फिक्स करना है। फिर रात में जो भी हॉस्टल में होता है हर एक पल की रिकॉर्डिंग होगी। ये है आईपी कैम्स विद मोशन सेंसर्स। ये यहाँ पर एक चीटी की भी फोटो खींचकर हमारे सेट किए हुए मोबाइल या लैपटॉप पर भेज दिया करेगा। सो हमसे एक भी मूवमेंट मिस होने का चांस ही नहीं है। ये है थर्मल डिटेक्टर। इसे भी सारे कमरे में फिक्स करेंगे। आमतौर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने वाले प्लेसेस में टेम्परेचर बहुत कम होता है। सो अचानक कहीं भी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो ये हमें इन्फॉर्म करेगा। इतना ही नहीं, उस रूम में कितने लोग हैं इसका भी पता लगाया जा सकता है, वो चाहे दिख रहे हो या ना दिख रहे हो। एंड फाइनली दिस इज EMF फाइंडर। EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जगह पर सच में आत्माएं हैं या नहीं ये जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस प्लेस पे कोई इविल स्प्रिट होगी और वो हमारे पास आ रही होगी तो ये फ्लक्चुएट करने लगेगा। फिल्मों में आत्माओं को दिखाने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच में आत्मा है या नहीं है पता लगाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है क्या? तुम मामूली आदमी नहीं है यार। लेट्स बिगिन ऑपरेशन रूबीना। गेट रेडी। यस। नंदनी, तुम उस तरफ जाकर लेक्चरर के बारे में पता लगाओ। सुरेश, हा? तुम स्टूडेंट से इंक्वायरी करो। हाँ, जा तू जा। हेलो। हेलो गीता, कहाँ हो? मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में हूँ, तुम कहाँ हो? मैं अभी कॉलेज में आया हूँ। तुम जरा नंदनी का लॉकर दिखा सकती हो क्या? ठीक है, एडमिन के पास जाओ, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है। यहाँ पर एडमिन ब्लॉक कहाँ पर है? इस तरफ। ओके। ओहो। हे गिरी, तुम एडमिन ब्लॉक में जाके नंदनी के डिटेल्स के बारे में पता लगाओ। हाँ। राजा। हाय। नंदनी के लॉकर का रूम इस तरफ है। इस तरफ, चलो चलते हैं। यही है नंदनी का लॉकर। ओके। क्या बिल्डिंग है यार। चले क्या? क्यों, अंधेरे में? ऐसे भूत बंगले ना रात में ही अच्छे दिखते हैं। बाप जी को मत बताना यार, वरना इस घर पर भी फिल्म बना देगा वो। उससे पहले हम ही अंदर जाकर भूतों के ऊपर फिल्म बना देते हैं। चुप रहे यार। पूरी शूटिंग रात को करेंगे, भूतों का मेला होगा। अरे बापरे, मेरी स्टोरी से लोग डर रहे हैं। बस करो यार, चलो अंदर।
हमेशा बकवास करते रहते हैं। यहाँ कोई है भी या नहीं? हेलो, हे तुम लोग मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करो। लड़कियों, गर्ल्स, भूत समझा क्या? डर गए ना? वैसे दिखने में मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। कौन है? बाप रे, बाबा, रमेश, सुरेश, बाबा कहाँ है भाई तू? रमेश, मेरे पीछे से भूत पास हुआ यार, यहीं कहीं है वो, मैंने उसे देखा यार। hey, बकवास बंद कर यार। राजा, मेरे पीछे से भूत पास हुआ यार। पीछे से मैं गया था। अच्छा, मैं जानता था यार, वैसे भूत होता तो सामने आता ना। वैसे एक आइडिया है यार, घर के सारे सीसीटीवी कैमरा निकाल कर 5D कैमरा लगाएंगे तो एक अच्छी फिल्म बन सकती है, क्या कहते हैं? टाइटल क्या रखेंगे? वो है या नहीं, क्या है ये? अबे भूत यार, हीरो तुझे बना देते हैं। मैं नहीं, अमिताभ बच्चन फिट है। उस बेचारे ने क्या पाप किया है? हा? भूत ना जैसे हिट फिल्म का एक्सपीरियंस है उनके पास। बस भी कर यार। बाबा, ये सब किसकी आवाज है? मैं भी सुन रहा हूँ, साउंड कहाँ से आ रहा है ये पता लगा। अबे भूत भूत कर रहा था ना, देख अब पूरी भूत की पलटन आ गई यार। अरे भगवान, अब कहाँ जाएंगे यार? अरे मुझे पकड़ लो, अरे मेरे साथ रहो, अरे क्या कर रहे हो? चलो साथ चलो। हाँ, अरे रुकना, मुझे छोड़ के मत जा। क्या हुआ यार? ये लो, मुझे लगा था हॉस्टल में असली वाली चुड़ैले हैं, यहाँ तो नकली चुड़ैले हैं। मतलब लड़कियां हैं। हाँ बस राजा, हम कब से नंदिनी को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हंस नहीं रही। उसका मूड कैसे बदलना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसे? काना काना रसिया काना, प्यारा प्यारा है सबका, फिर की रूठी रूठी राधा, देख के ये सब जले। हमने माना ब्यूटीफुल है, उसमें है कुछ खास तो, मोनालिसा भी उसके आगे फीकी लगती है रे। दिल के वो पास जीने की आस, वो जिंदगी है मेरी, वो मेरा चांद, वो मेरी शाम, वो बंदगी है मेरी। सेल्फी ले लूँ वो जो कहे, सेल्फी ले लूँ वो जो हंसे, सेल्फी ले लूँ वो जो हंसे, सेल्फी ले लूँ वो जो कहे। पूजा प्यार मेरा, तू जो रूठे कैसे मनाऊं, रोज रोज ये काम मेरा। डांस करके सॉन्ग गाके, दिल यूं ही बहलाऊं तेरा, तू हंसे ना जब तक जानू, पीछा ना छोड़ूंगा तेरा। दिल यूं न तोड़ जिद अपनी, छोड़ एक बार मुस्कुरा दे, सुन मेरे यार मैं तेरा प्यार, इस प्रीत को जगा दे। सेल्फी ले लूँ वो जो कहे, सेल्फी ले लूँ वो जो हंसे, सेल्फी ले लूँ वो जो हंसे, सेल्फी ले लूँ वो जो कहे।
खोई क्यों उदासी मुँह पे तेरे चांद तारे तोड़ लाऊं तू अगर है साथ मेरे तुम मेरी उलझन क्या जानो मैं परेशान हूँ कितनी दिल में उतना दर्द मेरे चेहरे पे खुशियाँ जितनी जो दर्द होगा साथी तेरा हम बांट लेंगे मिलके तेरे संग सारे दिन तेरे प्यारे अब बोल दे तू खुल के सेल्फी ले लूं वो जो कहे सेल्फी ले लूं वो जो हंसे सेल्फी ले लूं वो जो हंसे सेल्फी ले लूं वो जो कहे नंदनी कहाँ? मुझे नहीं पता। नंदनी नीचे गई है बेटा। सब लोग तो यहाँ पे हैं। वो नीचे क्यों चली गई? नंदनी इस वक्त हॉल में है। चलो चलते हैं। अरे बाप रे लाइट चली गई। नंदनी यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ जा सकती है? उसका फोन तो यहीं पे है। नंदनी मुझे माफ कर दो यार। छी, दोस्ती में माफी नहीं मांगते यार। दोस्ती का मतलब सुख में ही साथ रहना नहीं है, दुख में भी साथ रहना है। मैं तुम्हारी सच्ची दोस्त नहीं बन पाई। ए, दोस्ती का मतलब साथ रहना ही नहीं है, याद रखना भी है। मुझे कोई दुख नहीं है, डर लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा इसके लिए नहीं, बल्कि ये सोचकर कि यहाँ क्या हो रहा है मैं जान पाऊंगी या नहीं। अनुषा जल्दी नीचे आओ। क्या हुआ मैडम, कहाँ जा रहे हैं सब? देखो राजा, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। यहाँ रहने का मतलब है अपनी जान देना, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तुम्हारी तरह हिम्मत दिखाकर हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। मैडम, इंसान की जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, पहला जिस दिन उसका जन्म होता है और दूसरा वो क्यों पैदा हुआ है ये जानने वाला दिन। मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ मुझे फुल क्लैरिटी है। Enter the dragon. अरे अरे रमेश, सुरेश, राजा और नंदिनी प्लीज आओ। कम ऑन गाइस, कम ऑन मैन, कम ऑन। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहा है? हे, अब तक तेरे दिमाग में और तेरे कैमरे में नहीं आने वाली ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इससे पता चल जाएगी। यू वांट टू सी? कम ऑन लेट अस स्टार्ट। ये रख दिया, ये भी हो गया, ये एक, ये दो और तीन चार। हाँ आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई डरेगा नहीं। हाँ मैं हूं ना। कैसा लगा? क्या है ये, तुम इस उम्र में एबीसीडी सीख रहे हो क्या? तुम्हें कैरम बोर्ड और चेस बोर्ड के अलावा और कोई बोर्ड पता नहीं है क्या? दिस इज कॉल्ड ओजा बोर्ड। ये ओजा बोर्ड क्या होता है? बताता हूँ, भूतों से सीधा बात करने वाला एक टेलीफोन बूथ है ये। You silly guys! हमेशा हमारा भूतों से डरना और उनका हमें डराना होना चाहिए, ये एक तरह का प्यार है, और उन्हें प्यार ना मिले तो वो भटकते रहेंगे।
उनका प्यार कैसा होता है पता है? एकदम चिपकू टाइप। या दे वॉन्ट लव, दे वॉन्ट लव यार। और भूतों के बारे में सोचे तो असल में उन्हें क्या चाहिए होता है, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कभी किसी ने उनके बारे में सोचा? मरने से पहले वो भी तो इंसान थे, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ना यार। अच्छा तो तुम कैसे बात करोगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के? हा? बस कर यार तेरी ये तानेबाजी, बात मत बढ़ा। अब सुन। क्यों बे, कहीं तू खुद को राक्षस मूवी का सूर्या तो नहीं समझ रहा है ना? नहीं, उससे भी भारी। बकवास बंद कर, अब तू क्या करने वाला है ये बता। हाँ, अब टेबल के चारों ओर बैठकर स्ट्राइकर के ऊपर हाथ रखकर हमें जिस आत्मा के साथ कनेक्ट होना है उससे कनेक्ट होकर। हाँ, कनेक्ट करने से आ जाएगी क्या? नहीं, नो फिजिकल अपीयरेंस, ओनली साउंड। हमें सिर्फ उनकी आवाज सुनाई देगी। बताया था ना टेलीफोन बूथ है। आ? अच्छा तो बताओ किसे कौन सी आत्मा से बात करनी है? सिल्कस्मिता। देखा, सिर्फ लॉलीपॉप के लिए मुंह खोलने वाले ये नादान बच्चे सिल्कस्मिता को बुलाना चाहते हैं। ए, सिल्कस्मिता कोई भूत नहीं है यार, ये सिर्फ भूतों के लिए है। उसे देखना है तो यूट्यूब में देख। तो फिर तू किसे बुलाना चाहता है? और किसे, हमारी प्यारी रूबीना जी को और ललिता जी को। अच्छा तो फिर जल्दी से बुलाओ। ए, यू आर सो एक्साइटिंग यार। आई नो सी ये। अगर हमसे गलती हो गई रूबीना जी और ललिता जी को कनेक्ट होने के बाद, अगर हम उन दोनों का कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो ये कुल करेंगी। हाँ अच्छा, अगर चंद्रमुखी आ गई तो? हमारे पास ये है ना, लगा 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 ना। एनी जॉब्स? ठीक है, जो भी हो जल्दी करो, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है? मैं यहाँ पर खाना नहीं बना रहा हूँ जो जल्दी कर रही हो, भूतों को कॉल कर रहा हूँ मैं। ए, इंटरवल खत्म हो चुका है, इसके लिए भी नहीं जा सकते हो, लगेगी तो यही कर लेना। लेट्स प्ले द गेम, लेट्स प्ले द गेम। या बोलो ना, गला फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ मैं। छे, समझ गया, मेरा कम्युनिकेशन कनेक्ट होगा ना तभी तुम लोग कनेक्ट होगे। ओके रूबीना जी, ललिता जी, रूबीना जी, रूबीना जी सुनिए, हेलो, आइए 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 प्लीज। अबे तू आत्मा को बुला रहा है या फिर भीख मांग रहा है? अब वो रॉन्ग कनेक्शन हुआ होगा यार, अब बात करेंगे देखना। रूबीना जी, ललिता जी, आप आ बोलिए, हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप ओ कहेंगी तो हम फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे, आप ओके कहेंगी हम ट्विटर पर ट्वीट कर देंगे, ओवरऑल सारी परेशानी यही सुलझा देंगे। आ जाइए, तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मेरी एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है। ए, ए, नंदनी, नंदनी। ए, मैं भी जा रहा हूँ। अबे बेवकूफ, ये क्या बोल रहा है तू? डॉक्यूमेंट्री बोलकर इस भूतिया बंगले में तू लेकर आया, अब जब तक वो भूत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो यहीं बैठेगा। चल बैठ। ए, ये लास्ट चांस है, अगर नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। हाँ अब बात नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, गाना गाऊंगा। ललिता रूबीना मैडम जी, जल्दी आ जाइए जी। दूसरा गाना गाता हूँ। रूबीना रूबीना, ओ गाना कुछ सही नहीं लग रहा है ना? अब डरना मत। हाँ ये जिम जिम क्या हो रहा है, कहीं सच में तो नहीं आ रही है? मैंने तो सिर्फ बात करने के लिए कहा था, यहाँ पर हाजिरी देने क्यों आ रही है? ए भगवान, बाबा। हाँ क्या हुआ तुझे? सिम्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं यार। मतलब अब भूत आ जाएगा ना? आ जाएगा, अरे ऐसे कैसे आ सकता है यार, मैंने सिर्फ बात करने के लिए कहा था। मुझे डरा मत। हाँ देखा ना, भूत नहीं आया। दे वॉट लव, चली गई वो, आज के लिए इतना बस है। अब खिड़कियों से हवा आएगी ना? हवा क्यों आएगी बे? उस हवा से ये सब हिलने लगेगा। आ, आ, आ,
बाप रे, बहुत डर लग रहा है मुझे, कहीं आ तो नहीं गई सच में। भगवान बचा ले मुझे। अबे ओ गिरी, हवा तो बंद हो गई यार। अच्छा बोला था ना, नो फिजिकल अपीयरेंस। हाँ, अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। वैसे भूत के आने से पहले लाइट भी जाती है क्या? तेरी जबान काली है क्या? तू जैसा कह रहा वैसे ही हो रहा है। लाइट के जाने के बाद भूत आ जाता है ना? क्या हुआ, तेरी हालत क्यों खराब हो रही है? भूत तेरे पीछे ही बैठा है यार। क्या बोल रहा है यार? तेरे बगल में ही है। भूत मेरे बगल में? कहाँ है? सच में यार, मैंने देखा उसे। बाबा, रुबीना जी, ललिता जी, दोनों ही आ गए यार। कहाँ है यार, कोई भी तो नहीं है। रमेश के बाजू में देख, दावत के लिए बैठे हैं। क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। मेरी बात मान यार, मैंने सच में देखा, दोनों थी भयानक। हे, इस बार आए तो बताना, तुरंत सेल्फी ले लेंगे। अबे मजाक मत कर यार, वो फिर आ गई क्या? अब तो दिखाई नहीं दे रही है, लगता है टाइमिंग खत्म हो गया है। बाय रुबीना जी, बाय ललिता जी। मैंने कहा था ना तुम्हें, दे वॉन्ट लव, बस जस्ट विजिट के लिए आए थे। ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे भाई? तेरा प्यार पूरी फैमिली को चाहिए यार। फैमिली को किस लिए? नंदनी, नंदनी, मेरी बात सुनो। रुबीना रुक जाओ, अब तुम इसे क्यों मारना चाहती हो रुबीना? क्योंकि मुझे जीने का अधिकार नहीं है। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा किसने कहा? मुझे कोई क्यों बताएगा, मैं जानती हूँ। वैसे भी ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? क्योंकि इसलिए तुम्हारे मरने की वजह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ रुबीना, मैं तुम्हारा सलीम। जो सब कह रहे हैं वो गलत है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो फिर इतने दिनों तुम कहाँ थे? अपनी शादी के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मुझे नौकरी ढूंढनी थी और वही खोजने में गया था। तुम्हें बिना बताए मैं चला गया, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम इतनी बड़ी सजा दोगी?
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे सलीम की शादी को भी 3 महीने हो चुके हैं। नहीं, जरूर तुमसे किसी ने झूठ बोला है। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो तुम्हारी बातें मान लूं? तो फिर तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई है? हाँ, ये सारी बातें मुझे रूबीना। तो फिर क्या तुम ही रूबीना हो? तो फिर इतने साल मुझे छोड़कर आज क्यों आए हो? तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए। अंदर क्या हुआ है सर? आप कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? मौत कैसे हुई आप कुछ बता सकते हैं क्या? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मेरे सभी पत्रकार मित्रों, मेरे बुलाने पर आप लोग आए उसके लिए थैंक्स। आप लोगों को मैंने यहाँ पर इसलिए बुलाया कि इतने दिनों से सबको डराने वाले राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के भूत को कल हमने पकड़ लिया है। देखो हाँ? चलो। कल रात को हुई कुछ अनोखी दुर्घटना में एक युवक ने और एक नंदिनी नाम की लड़की ने अपने प्राण गवा दिए, हमें ऐसी खबर मिली है, तो इसके बारे में हमें बता सकते हो? श्योर। आप लोगों के मुताबिक कल रात को मरने वाली जोड़ी ये है। क्या हुआ डायना जी, आप तो गांव जाने वाली थी ना, गई नहीं क्या? ओह, आपके पति दास जी ने मना किया ना? हाँ? आप घबराइए मत, उन्हें भी कांस्टेबल लेके आ ही रहे होंगे। क्या हो रहा है सब? आप सब लोग मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हो क्या? असल में यहाँ भूत है या नहीं? राजा जरा इन लोगों को भूत से मिलवा दो। मेरे साथ आइए। जाके पकड़ ले उसे, तू चाहे तो उसके साथ सेल्फी भी ले सकता है। क्या हुआ, कोई भी नहीं जाएगा? अरे जाइए ना सर। जाने के लिए डर लग रहा है सर। सच में भूत है ही नहीं, सिर्फ डर है। वैसे तो ये डर नाम का शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल लोगों ने किया है। उनकी बनाई हुई फैब्रिकेटेड हॉरर स्टोरी इस राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल में होने वाले स्टिमुलेटेड सुसाइड का असली कारण है। असल में क्या हुआ है हमें जरा विस्तार से बताइए। मेरे साथ आइए, बताता हूँ। पहले से ही इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन ना करने वाला मैं, जानबूझकर यकीन करने का नाटक करके मैं अपने दोस्तों के साथ इस हॉस्टल में आया। इस पूरे हॉस्टल को इन्वेस्टिगेट करते समय मुझे नंदिनी के बारे में कई सारे राज के बारे में पता चला। नंदिनी की एक आदत थी, वो हर चीज गहराई से जानना चाहती थी। नंदिनी हर रोज रात के 2:30 बजे तक अपने सब्जेक्ट की स्टडी किया करती थी और उसे उस सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग ऑडियो बुक हेडफोन पर सुन के सो जाने की आदत थी।
और इस तरह सोने वाली नंदिनी कब कहां कैसे सो जाए उसे खुद भी नहीं पता होता था। इसलिए मैं जब नंदिनी के बारे में जानने के लिए उसके कॉलेज गया था तो उसके पर्सनल लॉकर में रुबीना की डायरी मिली, और फिर उसके कुछ ही दिन पहले हॉस्टल में आत्महत्या करने वाली रुबीना के बारे में नंदिनी सब कुछ जानना चाहती थी उसके बारे में मुझे पता चला। जब मैं रुबीना की डायरी पढ़ रहा था तो मुझे एक सच्चाई पता चली कि वो डायरी रुबीना ने नहीं लिखी थी। वो इसलिए, रुबीना की मौत 14 फरवरी 2016 को हुई थी, लेकिन उस डायरी का आखिरी पन्ना लिखा गया था 14 मार्च 2016 को। मतलब वो डायरी और उसमें लिखी हुई सारी बातें सिर्फ एक कल्पना थी। तब से मेरा शक यकीन में बदल गया। जब मैं कॉलेज से हॉस्टल लौट रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि हॉस्टल में लाइट नहीं है और जनरेटर भी नहीं है, तो मुझे समझ आ गया। लेकिन उस दिन रात को जब नंदिनी खो गई थी तो मैंने देखा कि उसके फोन में वाईफाई कहां से कनेक्ट है, और मैं हैरान रह गया। मैं बस ये सोच रहा था कि पूरे हॉस्टल में लाइट नहीं है लेकिन उसका फोन वाईफाई से कैसे कनेक्ट है। और उसी दिन रात को नंदिनी रुबीना की तरह नमाज पढ़ रही थी, और यह देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि पवित्र अल्लाह के नाम से भूत प्रेत और आत्माएं भाग जाती हैं, तो फिर यह नमाज कैसे पढ़ सकती है। मतलब मुझे ये समझ में आ गया था कि नंदिनी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और उसके अगले ही दिन गांव चले जाऊंगी ऐसा कहने वाली डायना को मैंने चोरी छुपे दास से कुछ बात करते हुए देखा। मुझे ये लगा कि मैंने दास को कहीं ना कहीं तो देखा है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन होम मिनिस्टर की मीटिंग में मैं उसी से टकराया था। फिर वापस से मैंने उसे नंदिनी के कॉलेज में देखा, तब मुझे समझ आया कि डायना का, दास का और नंदिनी की इस हालत का कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। फिर उस दिन रात को मैंने नंदिनी के मोबाइल पे कुछ हैप्नोटिक वर्ड सुने, उससे वो सुसाइड करने वाली है ये मुझे समझ में आ गया था, और खुद को रुबीना मान बैठी नंदिनी को रुबीना की डायरी की सारी बातों पर यकीन हो गया था, और वो भी उसी की तरह सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी को ठीक करने के लिए मैं उसको उस दिन रात को प्रोफेसर त्यागी के पास ले गया। मिस्टर राजा, नंदिनी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर? यस, मतलब तुम्हारी बातों के मुताबिक ये इनिशियल स्टेज का बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तब, या किसी इंसान या किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तब, उस विषय के बारे में या उस इंसान से संबंधित दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं। हॉस्टल में रुबीना के बारे में बार बार बात करना, रुबीना की चीजों को बार बार दिखाना, या फिर उससे संबंधित बातों को जबरदस्ती नंदिनी के ब्रेन में डाला गया है। रुबीना के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाली नंदिनी को कई अनहोनी घटनाओं का सामना करने की वजह से सच में रुबीना ही उसे दिखाई दे रही है ऐसा वो समझने लगी है। रुबीना को इमेजिन करने लगी है। इससे नंदिनी के ब्रेन में उसे पता चले बिना ही रुबीना नाम की स्प्लिट पर्सनालिटी डेवलप हुई। इस तरह मेंटली वीक रहने वाली नंदिनी को ऑडियो बुक सुनकर सोने की आदत को सहारा बनाकर गहरी नींद में रहती है। इस सब के दौरान उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने हिप्नोटाइज करना शुरू किया है। इस तरह उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी को ट्रिगर करते हुए वो रुबीना में बदल कर सुसाइड करने की सलाह देना शुरू कर दिया है। उसे कंट्रोल में करने के लिए इमीडिएट अपडेट देने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल किया है। सिंपल भाषा में कहूं तो इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय सोल हिप्नोटिज्म। और उसी तरह इस घर में मर चुके रुबीना को भी ललिता नाम की काल्पनिक लड़की ने सुसाइड करने को प्रेरित किया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हमारे कांस्टेबल की भी बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई। अब रुबीना के नाम से नंदिनी को मारना चाहते थे। इन सब के लिए हॉस्टल में रहकर मदद करने वाली हॉस्टल की वार्डन डायना ने
पैसों की लालच में आकर साइंस का उपयोग करके असिस्टेंट प्रोफेसर देवदास का साथ दिया। देख क्या रहे हो, ले चलो इनको। इनके साथ और कौन कौन है सर? होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा। जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपके पास सबूत है क्या? इस राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के पीछे वाली 2000 एकड़ जमीन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हड़प कर उस जमीन पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे थे। ऑलरेडी अपनी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके जितनी ज्यादा हो सके उतनी जमीन हड़प चुकी है हमारे प्रिय होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा जी, और बाकी की बची हुई इस हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल से संबंधित 500 एकड़ की जमीन और ये पूरी जगह ये सब लोग मिलकर हड़पना चाहते थे, लेकिन ये ट्रस्ट सरकार के अधीन होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए इस ट्रस्ट के 4 लोगों को उस 2000 एकड़ जमीन के लिए रखा गया। कहीं भगवान का बहाना बनाकर वहां मंदिर बनवा देते हैं, उसी तरह भूत के नाम से उस जमीन को ये बदनाम कर रहे थे, जिससे सरकार भी उस जमीन को कम से कम में नीलाम करती। इस तरह इस जगह को पाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया ज्योति प्रसाद वर्मा ने। क्या बात है राजा? हाँ सर। कॉन्ग्रेट्स, नंदिनी को बचाने के साथ साथ तुमने एक कॉम्प्लिकेटेड केस को भी सॉल्व किया और साथ ही मेरे भाई को बचाया। थैंक यू सर। थैंक यू। Most thanks welcome, once sir. again. Thanks for your support. All the best. Thank you, sir. यार, तूने तो कमाल कर दिया। दे ताली। हाँ। अच्छा, one selfie. फोटो ले रहे हो क्या? ओ, सेल्फी। Thank you. Hey, नंदिनी, 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 रूबीना। यार, उस नाम से क्यों बुला रहा है यार? फिर से उसकी आत्मा इसमें घुस गई तो यार क्या होगा? क्या है? अरे ये आपकी नंदिनी है। क्या है? क्या है बोलो? बाबा मुझे एक डाउट है। डाउट है बता दो, क्लियर करके आना। ए नंदिनी, ए बाबा तेरी तो वो हमें डराने वाले वो चार भूत कौन थे? ओ वो असली बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, वो सब जूनियर आर्टिस्ट थे। जूनियर आर्टिस्ट थे? यार वो जूनियर आर्टिस्ट थे, उसके बाल देखते ही समझ गया था वो विग है। अच्छी एक्टिंग करवाई उनसे, वो मिलेंगे तो मुझे बताना, हॉरर फिल्म में रोल दूंगा। चलो रे। हेलो सर, मैं जूनियर आर्टिस्ट एजेंट सूरी बाबा बोल रहा हूं। हां सूरी बाबा बोलिए। सॉरी सर। सॉरी किस लिए? सर आपने चार आर्टिस्ट मांगे थे ना, मैंने 3 को ही भेजा था, नेक्स्ट टाइम पक्का 4 को भेजता हूँ सर। ठीक है सर। तो फिर वो चौथा भूत कौन था?